जीएस टेक में एक बार आपसे स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ट्रॉली कटर यानी कि पैनल सॉ। इसकी कैपेसिटी जो है 8 फुट है लेंथ में और चौड़ाई में आप 4 फुट को काट सकते हैं, 4 फुट से ज़्यादा भी और 8 फुट को काट सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी बढ़िया बढ़िया और जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों ये जो पैनल सॉ है मशीन है ये बहुत ही स्मूथ है चलने में। ऑन ऑफ के लिए हमने ये बटन दिया हुआ है, ये ऑन का ये ऑफ का, ये अम्पेयर मीटर है, अगर अम्पेयर कम ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। और इसमें एक एमरजेंसी स्टॉप का बटन दिया हुआ है, इसे कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको प्रेस करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये व्हील दिया हुआ है, ये टिल्टिंग के लिए है। इसे क्या होता है जो इसका कटर है वो 45 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है और 90 डिग्री तक दोबारा वापस आ सकता है। ये अप डाउन करने वाला जो व्हील है वो हमने इस साइड में दिया हुआ है, इससे कटर आप अप डाउन आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये जो ठल है ठल भी बहुत स्मूथ है, यहाँ से लूज कीजिए और आगे पीछे आप जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं 4 फुट की कैपेसिटी है, 4 फुट तक आप इसको काट सकते हैं। इसको दोबारा आगे कीजिए और लॉक कीजिए। इस तरफ ठल चाहिए इस तरफ भी ठल बड़ी आसानी से हो सकती है। ये जो ठल है इसको लूज कीजिए, कहीं भी आपने बांधना हो 4 फुट 5 फुट 6 फुट पे आप इसको बांध के ला सकते हैं। इसको अगर आपने रिमूव करना है तो इसको फेंक दीजिए, अगर चाहिए तो इधर को गिरा सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी आर्म है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है और सारा MS मटेरियल की बनी हुई है। इसकी अगर हम ट्रॉली की ले लें, ट्रॉली बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसकी ये जो मेन ट्रॉली है ये MS की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है। इसको आप एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम की कॉस्टिंग और है। अगर आप MS में लेना चाहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग और है, वो भी हम आगे वाली वीडियो में आपको एल्युमिनियम ट्रॉली के साथ वो भी बताएंगे। तो इसकी ट्रॉली इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि आप इसको एक उंगली से चला सकते हो, बड़े आराम से एक उंगली से चल सकती है। और ये कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है ये हम अभी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। के साथ ये अलग एक ठल दी हुई है, ये ठल का ये काम है अगर आप 45 डिग्री काटना हो तो बड़े आप आराम से काट सकते हैं, तो दुनिया में भी ले सकते हैं। अगर कोई बड़ी लकड़ी हो तो यहाँ पूरे में फीट पे आएगी, अगर जैसे ये छोटी काटनी हो चाहे एंगल में चाहे सीधी, इसके लिए ये वाली ठल आई है। ठल 45 डिग्री पे बांध के इधर से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेट हो गया, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद जैसे ये मान लो तो प्लेन है, एकदम पूरा 45 डिग्री पर कटा है। उसके बाद में इसको इसके साथ में जाके एकदम 0-0 आ जाएगा इसका। ये तो बात होगी जो ऐसे गुनिया काटते हैं। अगर आजकल जैसे दीवारों में चलता है ऐसे बॉक्स बनते हैं जो साइड में फोटो में दिखाए हुए हैं, ऐसे अगर बॉक्स बनाने हो तो उसके लिए भी 45 डिग्री पे इसको ऐसे काटना हो वो भी इसके लिए चुटकियों में काम है। जैसे उसके लिए इसमें साइड में यहाँ व्हील दिया हुआ है, उसको घुमा के आप इसको 45 डिग्री पे कर सकते हैं।
ये देखिए अभी कटर जो है 45 डिग्री पे जा चुका है। अभी हम आपको इसका बॉक्स बनाकर दिखाएंगे। अभी ये वाली जो है हमने 90 डिग्री पे कर दी, पहले 45 डिग्री पे थी, अभी 90 डिग्री पे है। इसके लिए भी लंबाई के हिसाब से इधर छल बन जाती है, छल के साथ लगाइए, एक लंबाई आएगी सबकी। ये एकदम 45 डिग्री पे बॉक्स बन गया। बड़ी है आसानी से इसको एकदम सीधा कर जाएगा। ये वाला जो पीस है बिल्कुल सीधा है, एकदम सीधा कटा है। ऐसे चाहे काटिए, चाहे आप इसको घुमा के इस तरह से काट दीजिए, जैसे मर्जी काट दीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन यह है कि इसको बार बार सीधा करने की जरूरत नहीं। ऑन कीजिए और ऐसे काटना है जैसे मर्जी काटना है।